हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर, और इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ। ये बिज़नेस आइडिया है अबाउट द बेकरी बिज़नेस। जी हाँ दोस्तों, बेकरी बिज़नेस। दोस्तों पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जो बेकरीज थी वो बेकरी बिज़नेस के अंदर काफ़ी सारे टैलेंट की ज़रूरत होती है। किस टाइम पे ब्रेड को या बिस्किट्स को भट्टी में डाला जाए और किस टाइम पे क्या चीज़ बनाई जाए, ये पूरा एक टेक्निकल चीज़ है जो जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता होता। तो ये फैमिली बिजनेस हुआ करता था जिसमें बाप दादा अपने बच्चों को बताया करते थे ट्रिक्स ऑफ द बिज़नेस, जो बेकिंग का बिज़नेस है। अब आजकल के टाइम पे जो बेकिंग का बिज़नेस है उसमें बहुत सारा ऑटोमेशन आया है और न्यू तरीके आए हैं और न्यू एंटरप्रेन्योर्स बेकिंग के बिज़नेस में एंट्री ले रहे हैं। ये पॉसिबल हुआ है अच्छी मशीनों से, बेकिंग के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज आए, ये कोर्सेज सीखकर और बेकिंग बिज़नेस में जो प्रॉफिट्स है उसको देखकर। तो दोस्तों बेकिंग बिज़नेस जो है एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगर आप एक अच्छी बेकरी बनाते हो जो प्रैक्टिकली एक हाई एंड सप्लाई करती है, जैसे मैं सिंपल ब्रेड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे क्रोसांस है, केक्स है और दूसरी काफ़ी सारी बेकरी आइटम्स हैं, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट है इसमें, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, ये छोटा बिजनेस नहीं है, मीडियम मिड स्केल बिजनेस मैं बोल सकता हूँ इसको, लेकिन जी हाँ प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। तो आपका क्या ख्याल है बेकरी बिज़नेस के बारे में? क्या आप बेकरी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो? आप चाहते हो मैं बेकरी बिज़नेस पर और रिसर्च करके और वीडियोज़ बनाऊँ और आपके लिए YouTube पे वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स ज़रूर चैट में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।